सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टू टू टेक को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सके। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो, यानी कि जो भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ते हो और आपको एक टॉपिक पढ़ने में 3 घंटे लगते हैं, ओके, तो आप उसी टॉपिक को 1.5 घंटे में कैसे पढ़ सकते हो या उसे समझ सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। तो अगर ये आप फॉलो करोगे, यानी कि मैं आपको एक रूटीन बताने वाले हूँ दिन के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले आता है आपको डेली, ओके, एग्जाम टाइम तक तो स्पेशली डेली आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद 5:30 तक आपको फ्रेश होना है, जो भी आप चाय कॉफ़ी पीते हो वो रेडी होना है। फिर 5:30 to 5:40 आपको 10 मिनट्स जो है डेफिनेटली मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन में भी ईमानदारी से करनी चाहिए। मेडिटेशन इन द सेंस आप बैठकर अगर आप कुछ सोचते हो तो वो मेडिटेशन नहीं होती है। मेडिटेशन यानी कि आपको आपका माइंड 0 स्टेट पे होना चाहिए, यानी कि कुछ भी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, उसे कहते हैं मेडिटेशन। दूसरा, मेडिटेशन होने के बाद आपको ग्राउंड पे जाना है, आपके पास जो भी ग्राउंड हो वहाँ पे जाओ, वहाँ पर फिजिकली एक्सरसाइज करो। अगर कोई एक्सरसाइज ही नहीं आती है तो स्प्रिंट कर लो, भाग लो, इतना भागो कि पसीना आ जाए। और ये क्यों करना है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो दिमाग है, जब आप सुबह उठते हो तो आप एकदम रिलैक्स होते हो, रात भर जो आपने थकान है वो चली जाती है और रिलैक्स माइंड है। अब इसके बाद आप जो भी कुछ पढ़ोगे वो 3 घंटे के बजाय आपके 1.5 घंटे में ही हो जाएगा। तो इसका रीज़न ये होता है कि एक तो एग्ज़ाम टाइम होता है तो आप ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो, ऊपर से आपका जो माइंड है अब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो है मेडिटेशन की वजह से। आपने पढ़ा ही होगा कि भाई मेडिटेशन में बहुत पावर्स होती हैं, तो इस बार ट्राई करके भी देख लो होता है या नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन ईमानदारी से होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें हैं। कई बच्चे होते हैं जिन्हें रात को पढ़ने की हैबिट होती है, तो यार आप डेफिनेटली रात को ही पढ़ो, जो भी आप 11 से 2 बजे तक पढ़ सकते हो, 3 बजे तक पढ़ सकते हो, हर बंदे की अपनी एबिलिटी होती है, तो आप उसी टाइम पर पढ़ो। लेकिन उठने के बाद जो भी आप 8-9 बजे उठते हो तो डेफिनेटली उस टाइम पर आपको मेडिटेशन और ये करना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई 1.5 घंटे में करना चाहते हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हम सभी के अंदर होती है वो ये होता है आलस। आलस में भी सबसे ऊपर जो हमारा आता है वो है मेरा मूड नहीं है, जो डायलॉग मैं खुद अपने आप से कहता हूँ या हम सब अपने आप से कहते हैं, मेरा मूड नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये आता है कि अपने आप को रियलिटी दिखाओ, और हमेशा रियलिटी में ही जीना चाहिए, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। तो रियलिटी दिखाओ इन द सेंस अपने आप को ये बताओ कि भैया अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल होगे, अभी फेल होगे, अगले बार फेल होगे, फाइनल ईयर में तो जा ही नहीं सकते, तो YD हो जाओगे, ये रियलिटी है। अगर फिर देखकर भी अगर आपको नहीं आता है तो एक काम कर लो यार, जब आपको बहुत ज़्यादा मतलब आलस आ जाए ना, उस टाइम पे कंटिन्यूसली 3 ग्लास पानी पी लो, या जो भी आपकी कैपेसिटी है। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीने के बाद आपको आलस आएगा ही नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये सब चीज़ें आप करो और फिर मुझे बताना यार कि ये सब चीज़ें होती है। मैं करता हूँ तो मुझे पता है, मेरे साथ तो पानी पीने के बाद मैं ऑफकोर्स आलस नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव माइंड ही राइट डिसीजन ले सकता है। सो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़े ये मैटर नहीं करता है, आपने जो पढ़ा उसको आपने कितना समझा ये मैटर करता है। और कभी भी कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं की जाती, यानी कि कोई ये कहता है कि मैं 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ लेता हूँ तो वो घोचू है। नॉर्मली जो पढ़ाई की जाती है, अगर आप कभी भी कोई भी टॉपर्स या जो भी सक्सेसफुल पीपल्स हैं, अगर आप उनकी ये बुक्स पढ़ोगे तो आपको यही देखने मिलेगा कि वो भैया 1 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर वापस पढ़ाई करते हैं, ऐसे पढ़ाई की जाती है। मतलब कोई कंटिन्यूसली आप कोई काम कर सकते हो, सिंपल सी थिंग है, चाहे आप कोडिंग कर लो, कोई भी चीज़ हो, तो कंटिन्यूसली नहीं की जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आपने जो पढ़ा उसे आपने गुना, यानी कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा या जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसे पढ़ने के बाद अपने आप से ही क्वेश्चंस करना चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या पॉइंट था, इसके अंदर क्या क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था। कंप्लीटली पढ़ाई हमेशा लॉजिकली होती है, भले ही थियरी सब्जेक्ट हो लेकिन उसे याद करने का तरीका लॉजिकली होता है। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम सभी को पता होता है लेकिन हम उन्हें कभी भी मतलब सोचते नहीं हैं। सो गाइस होपफुली ये जो वीडियो है आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक लाइक भी ठोक देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।